दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में कलेरिना करीम के बारे में, यानी हिमालय कलेरिना करीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सावधानी क्या रखें, जानेंगे सब कुछ। देखिए दोस्तों, कलेरिना करीम एक एंटी एक्नी क्रीम है, ठीक है। एंटी एक्नी क्रीम है, फेस पे लगाई जाती है, इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये आयुर्वेदिक आती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है इसको लगाने की, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लगाना चाहिए। कई बार स्किन भी ये सूटेबल नहीं होती आयुर्वेदिक क्रीम के लिए, तो वहाँ पर भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हिमालय कंपनी बनाती है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत बढ़िया क्रीम ये आती है कलेरिना। दोस्तों हिमालय की और भी कई कंपनियां आती है एक्नी प्रॉब्लम, जैसे कि पिंपल क्लियर आती है, और भी ब्लेमिनोर आती है दोस्तों, इनके अलावा भी कई कई आती है, ठीक है। तो उसमें उनमें से कलेरिना एक अच्छा माना जाता है रिजल्ट इसका। बात करें किस टाइप की एक्नी प्रॉब्लम में दी जाती है, तो देखिए फेस के ऊपर टोपिक लगाई जाती है। अगर फेस के ऊपर कील मुहासे निकल आते हैं, कील मुहासे हो गए निशान है, या वाइट हेड ब्लैक हेड वाली मुहासे हैं, नाक के ऊपर पिंपल से रहते हैं, कील रहती है, तो वहाँ पर दी जाती है, पिंपल की प्रॉब्लम में दी जाती है, निशान को हटाती है, कील को कम करती है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं फेस की स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकती है आयुर्वेदिक, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे गुण भी हैं जो कि मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं स्किन को, स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं, सेल्स को डेवलप करते हैं, जिससे कि स्किन खिलखिली दिखती है, एक त्वचा जवान दिखती है, ठीक है, न्यू स्किन प्रोवाइड करती है, निशान को भी हटाती है, सूजन को, खुजली को, इन्फ्लामेशन को कम करती है, तो काफ़ी सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। निशान को हटाने के लिए, एक्नी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है फेस की स्किन के ऊपर। बात करें भाई किस तरह से लगाएं, तो आपको लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करना है, जब सूखने के बाद आपको हल्के हाथों से अप्लाई करना है। अगर डॉक्टर ने पूरे चेहरे पर लगाने के कहा है तो पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, वरना आप उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में पिंपल्स वगैरह होते हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं डॉक्टर के कहने पर। दोस्तों दो बार लगाई जाती है, 3-4 घंटे तक लगी रहनी चाहिए, उसके बाद आप चाहे तो चेहरे को वॉश कर सकते हैं। बात करें भाई साइड इफेक्ट की, तो देखिए आयुर्वेदिक आती है, साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं, जैसे कि लगाने के बाद स्किन जलने लगे, बर्निंग प्रॉब्लम जैसा कुछ हो, पेन होने लगे, स्किन बहुत सारा टाइट लगे, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही कम चांस में होते हैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी। सावधानी बस ये है कि डॉक्टर की सलाह से ही लगाना चाहिए। दोस्तों प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में अगर बात कहूँ तो लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो यह था संपूर्ण रिव्यू कलेरिना करीम के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।